तो वीडियो का थंबनेल देख के आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जैसे कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस तरीके का एक रील है जो इंस्टाग्राम के रील सेक्शन में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ट्रेंड में जा रहा है। तो ये जो ट्रेंड है इसे ट्विंग ट्रेंड, इस तरीके से इसका नाम है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक हार्ट आता है, उसके बाद आपका एक क्यूट सा फोटो आ जाता है। तो इस तरीके का जो ट्रेंड से आपको अगर रील बनाना है तो उसे कैसे बनाते हैं, इसका ट्यूटोरियल मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और ऐसे वीडियोस के लिए, ऐसे कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो इस तरीके का वीडियो अगर आपको बनाना होगा तो सबसे पहले तो आपको प्ले स्टोर पर जाके एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है VN एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन मैं अभी स्क्रीन पर मूव कर रहा हूँ, ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, फ्री में मिल जाएगा। तो ये वाला एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने मिलेगा। इससे पहले आपको करना क्या है, आपका एक खुद का या किसी भी टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे आप ये वीडियो बनाने वाले हो, उस टॉपिक का मतलब कोई एक्ट्रेस हो, एक्टर हो, या आपका खुद का होगा, तो आपका खुद का एक क्यूट सा एकदम फोटो आपको यहाँ पे रेडी रखना है। इसके बाद आपको करना क्या, इस एप्लीकेशन को आप जैसे ओपन करोगे तो नीचे आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, तो प्लस के आइकॉन के ऊपर आपको टैप करना है। प्लस के आइकॉन के ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे आपका जो गैलरी है वो ओपन हो जाएगा। गैलरी ओपन होने के बाद सबसे पहले जैसे आपने स्टार्टिंग में जो रील मैंने दिखाया था वहाँ पे देखा होगा, एक यहाँ पे हार्ट का फोटो आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके का हार्ट का फोटो आपको यहाँ पे ऐड करना है, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। तो इस तरीके का फोटो आपको कहाँ पे मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक के ऊपर आपको टैप करना है। उस लिंक के ऊपर टैप करोगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा। तो वहाँ पे मैंने आपके लिए इस तरीके से 4-5 फोटो रेडी करके रख दिए, मतलब रेडीमेड फोटो आपको वहाँ पे अपलोड कर दिया, तो वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हो और इसमें से कोई भी एक फोटो आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं अभी आपको स्वाइप करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से ये सारे फोटोज मैंने आपके लिए रेडी करके रखे, तो ये सारे फोटोज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे मैंने इन्हें अपलोड कर दिया है। तो वहाँ से आप इसमें से कोई भी एक फोटो डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको उस फोटो को सिलेक्ट करना है, जैसे वाले ये वाले फोटो को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका खुद का या जिस भी टॉपिक पे आप जो ये वीडियो बनाने वाले हैं उसका एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो वो कैसे करना है, ऊपर आप देख सकते हो एक ऑल का ऑप्शन है, ऑल के ऑप्शन पे टैप करोगे तो आपके मोबाइल के गैलरी में जितने भी फोल्डर्स है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो इसमें से आपको वो फोल्डर सिलेक्ट करना है जिस फोल्डर में आपने आपका खुद का या जिसका भी जो फोटो रखा हुआ है उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, और वहाँ से इस फोटो को ओपन कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं रश्मिका मंदाना जो एक्ट्रेस है उनका एक फोटो यहाँ पे सिलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से ये दो फोटो मैंने सिलेक्ट कर लिए, स्टार्टिंग में जो आपको बताया था रेडीमेड टेम्पलेट वो, और उसके बाद एक खुद का या जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो बनाने वाले वो वाला फोटो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो ये दो फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद राइट हैंड साइड पे नीचे कॉर्नर पे आपको एक ब्लू कलर का फॉरवर्ड टिक दिखेगा, फॉरवर्ड एरो दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप टैप करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे आपके ये एक फोटो और ये दूसरा एक रश्मिका मंदाना का फोटो यहाँ पे आ चुका है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे एक ब्लैक कलर की एक फोटो ऑलरेडी एक आ चुका है। तो इस ब्लैक कलर के फोटो को इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है जिससे ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आपको वीडियो के एकदम स्टार्टिंग में आना है, और जहाँ पर मैं अभी कर्सर मूव कर रहा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हो 1.00 है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम 8 सेकेंड आना चाहिए, मतलब 8.00 आना चाहिए। तो वो कैसे, क्योंकि वो क्यों लाना है, क्योंकि आपका जो म्यूज़िक है बैकग्राउंड म्यूज़िक वो ही कुछ 7.57 सेकेंड का है। तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली म्यूज़िक ऐड करोगे तो वो क्रॉप हो सकता है, तो वहाँ पे आपको क्रॉप नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपका 8 सेकेंड से ज़्यादा आना चाहिए। तो वो आप कैसे बढ़ा सकते हो, तो कोई भी यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक फोटो को सिलेक्ट करना है, और उसका जो राइट हैंड साइड का बॉर्डर रहेगा उसे ऐसे ड्रैग करते जाना है, जहाँ तक आप देख सकते हो यहाँ पे अभी 12 आ चुका है, तो मतलब 8 सेकेंड से तो ज़्यादा ही हो गए जी। तो ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है, एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में आना है। आप ऊपर देख सकते हो सेंटर में आपको एक ओरिजिनल ऑप्शन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको टैप करना है। थोड़ा सा आपको स्लाइड करना है, स्लाइड करने के बाद यहाँ पे 9:16 का एक रेशो दिखेगा जहाँ पे टिकटॉक का एक लोगो है, तो उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर आपको 9:16 लिखा हुआ दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। अभी आपको क्या करना है, दोनों जो फोटो आपने ऐड किए थे वो दोनों फोटो को चेक करना है कि वो बराबर परफेक्टली उस बॉर्डर के अंदर बैठे हैं कि नहीं। जैसे आप ये वाला फोटो देख सकते हो, तो इस फोटो को आपको थोड़ा सा ऐसे जूम करना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि ऊपर के साइड पे आपको येलो एक बॉर्डर दिख रहा है। तो जूम करने के लिए फोटो का नीचे जो स्लाइड है उसे सिलेक्ट करना है, और उसके बाद ऊपर जाके इस तरीके से दो उंगलियों की मदद से आपको जूम करना है। ये हो जाने के बाद फिर से वीडियो के स्टार्टिंग पे आना है। स्टार्टिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक
टैप टू ऐड म्यूजिक का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर आपको टैप करना है। यहाँ पे म्यूजिक के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है और अभी यहाँ पे आपको इस वीडियो के लिए जो बैकग्राउंड ऑडियो लगेगा वो यहाँ पे ऐड करना है। तो ये बैकग्राउंड ऑडियो भी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दिया है, तो टेलीग्राम चैनल पे मेरे चले जाओ, वहाँ पे ये बैकग्राउंड ऑडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑडियो का नाम या ऑडियो दिखेगा, ऑडियो को सिलेक्ट करने के लिए आप देख सकते हो ऑडियो के सामने आपको एक चूज का ऑप्शन है, तो उसके ऊपर टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, तो ये वॉल्यूम का ऑप्शन है, इसे 100 आपको पूरा रखना है, फेड इन को 0 रखना है, फेड आउट को 0 रखना है। और इसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो है इस म्यूजिक बीट्स के ऑप्शन के ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक बीट ऐड करनी है। तो बीट कैसे ऐड करनी है, अभी आप देख सकते हो जहाँ पर मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 0.00 दिख रहा है, और जैसे ही मैं इसको इस तरीके से मूव करूँगा तो यहाँ पे टाइम बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 6.78 यहाँ पे आना चाहिए, उस पॉइंट तक आपको इसे मूव करना है। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे 6.78 आ चुका है। तो इस पॉइंट पे आपको एक बीट ऐड करनी है, तो बीट ऐड करने के लिए नीचे आपको एक रेड कलर का सर्कल दिखेगा, उसमें एक फ्लैग का आइकॉन है, उसके ऊपर आपको टैप करना है। ये हो जाने के बाद आपको करना है कि यहाँ पे आपकी बीट ऐड हो चुकी है, नीचे आपको एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है, और एक सिंगल टिक मार्क दिखेगा, उसके ऊपर फिर से टैप करना है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑडियो का बार है उसे आप आगे ऐसे लेके जाओगे, तो यहाँ पे आपको एक 6.78 के टाइम पे आपको ऐसे एक वर्टिकल ऐसी लाइन दिखेगी, तो ये जो वर्टिकल बार दिख रहा है उसके ऊपर आपको टैप करना है। इसके ऊपर आप जैसे ही टैप करोगे, मतलब इस बार के ऊपर आप जैसे ही वर्टिकल लाइन के ऊपर जैसे ही टैप करोगे, तो आपको करना क्या है, नीचे वाला जो फोटो है जो आपने टेम्पलेट ऐड किया था उसे सिलेक्ट करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको एक स्प्लिट का ऑप्शन दिखेगा, तो स्प्लिट के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है, और यहाँ पे इस जो फोटो थे उसके दो हिस्से हो जाएंगे, दो हिस्सों में ये कट हो जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, राइट हैंड साइड पे जो बचा हुआ हिस्सा इसे सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे एक डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप करना है। अभी आपको करना क्या है, ये जो रश्मिका मतलब सेकेंड जो फोटो आपने ऐड किया है उसे ऐसे सिलेक्ट करना है, और थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ाना है। लेंथ बढ़ाने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ पे ऊपर का जो ऑडियो का बार है उसके एंड में जाना है, मतलब जहाँ पे ऑडियो एंड होता है उस पॉइंट पे इस तरीके से आपको वर्टिकल लाइन लेके जाना है। इसके बाद ये जो नीचे वाला फोटो है उसको भी आपको इसी लाइन में लेके आना है। तो ये मैंने स्टार्टिंग में बढ़ाया क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी आपको दिखा देता हूँ, अगर इसका साइज आप देख सकते हो अभी ऑडियो का बार इस तरफ है और आपके फोटो का साइज इतना कम होगा तो ये ऑडियो का बार अपने आप कट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा इसे बढ़ा कर देखो, आपको परफेक्ट एक पॉइंट मिलेगा ऑडियो जहाँ पे एंड होता है। तो इस पॉइंट पे आना है और ये दूसरा जो फोटो आपने ऐड किया उसे भी उस पॉइंट पे आपको ऐसे ड्रैग करके लेके आना है। तो अभी आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये इस पॉइंट पे है तो नीचे का फोटो को भी आपको इस तरीके से यहाँ तक ड्रैग करके लेके आना है। तो यहाँ तक ये ड्रैग होने के बाद इसे आप प्ले करके देखोगे तो परफेक्टली एकदम बीट के अकॉर्डिंग ये वीडियो यहाँ पे आपका रेडी हो चुका है। तो आप देख लो इस तरीके से, अभी आपको ऑडियो नहीं सुनाई देगा क्योंकि ऑडियो मैंने बंद कर दिया है, कॉपीराइट आ सकता है। तो इस तरीके से आप ये ट्विंग ट्रेंड वाला वीडियो बना सकते हो। इसके बाद इसको सिंपली एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के लिए राइट हैंड साइड पे ऊपर आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। यहाँ पे ये वीडियो है आपका, ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जब तक 100% एक्सपोर्ट नहीं होता यहाँ पे, तब तक इस एप्लीकेशन को आपको बंद नहीं करना। कभी कभी यहाँ पे ये फेल होने के चांसेस हो सकते हैं, जो एक्सपोर्टिंग है वो फेल हो सकता है। 100% एक्सपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ पे कुछ एड्स आ सकते हैं, उसको आपको कट करना है। इसके बाद नीचे आपको एक सेव टू एल्बम का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर टैप करना है। इसके बाद ये जो वीडियो है आपके मोबाइल के गैलरी में सेव हो चुका है, फिर आप इसे एज अ रील इंस्टाग्राम के रील सेक्शन पे अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से जो ट्रेंडिंग रील है इसे आप बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।